नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। लगातार अपराध करने पर गघा थाने के अपराधी राज सिंह उर्फ युवराज सिंह के खिलाफ जिलाधिकारी ने NSA रासुका की कार्रवाई। SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने दी जानकारी। माफिया राजन तिवारी की न्यायालय ने सोमवार को जमानत अर्जी की खारिज। 15 दिन पहले गोरखपुर कैंट पुलिस ने बिहार रक्सौल से गिरफ्तार कर कोर्ट में किया था पेश। कोर्ट ने 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा था जेल। न्यायालय ने माफिया राजन तिवारी के अपराधों के फहरिस्तों को देखते हुए जमानत अर्जी की खारिज। नौगेन पर घूमने जाने वाले चारपहिया वाहन चालक अब अपने वाहन को सर्किट हाउस के बाहर करेंगे पार्किंग। सुबह 5 बजे से 8 बजे तक नौगेन क्षेत्र में दोपहिया व चारपहिया वाहन का प्रवेश रहेगा वर्जित। SP सिटी ने दी जानकारी। खेती की जरूरतों में संबल बनी PM किसान सम्मान निधि। गोरखपुर में अब तक मिल चुकी है 940 करोड़ रुपए की सहायता राशि। नई व्यवस्था के तहत बुधवार तक KYC कराने का है मौका। अमर शहीद रविंद्र सिंह की 43वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह, MLC CP चंद, पूर्व विधायक शीतल पांडे सहित अन्य लोगों ने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी उन्हें श्रद्धांजलि। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की स्मृति में चल रहे सप्त दिवसीय व्याख्यान माला का बुधवार को होगा समापन। मुख्य अतिथि के रूप में प्रख्यात वक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ होंगे शामिल। विद्यार्थियों को देंगे अपना मार्गदर्शन। भारतीय गोरखा संगठन के द्वारा हरियाली तीज महोत्सव का किया गया आयोजन। गोरखा महिलाओं ने भगवान शंकर व माता पार्वती की पूजा अर्चना कर पति के लंबी उम्र की कामना। गोरखनाथ मंदिर के बाहर नाले के ऊपर लगे ठेले वालों के ऊपर नगर निगम के प्रवर्तन दल की टीम ने चलाया अपना हंटर। प्रवर्तन दल के प्रभारी कर्नल CP सिंह ने कहा, जल्द से जल्द हटाएं अपना अतिक्रमण। और हरितालिका तीज के पर्व पर सुहागिन महिलाओं ने अपने सुहाग के लंबे आयु के लिए रखा निर्जला व्रत की पूजा अर्चना। कहा, तीज व्रत करने से सौभाग्य व सुख समृद्धि की भी होती है प्राप्ति। अब खबरें विस्तार से। जिलाधिकारी ने लगातार अपराध करने वाले गघा थाने के अपराधी के ऊपर NSA रासुका की कार्रवाई की, जिसके संबंध में SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि जनपद गोरखपुर के गघा थाना क्षेत्र में मार्च 2021 में शिव शंभू मौर्य व इनके नौकर संजय पांडे की हत्या की घटना कारित हुई थी, जिसके संबंध में गघा थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। विवेचना के दौरान अभियुक्त युवराज सिंह व इसके अन्य साथियों के नाम प्रकाश में आए थे। इस घटना से पूर्व मार्च 2021 में ही रितेश मौर्य की भी हत्या की घटना कारित हुई थी, जिसके संबंध में गघा थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। रितेश मौर्य व शिव शंभू मौर्य वर्ष 2013 में गघा थाना क्षेत्र में हुए तिहरे हत्याकांड के पैरोकार थे, जिसकी वजह से अभियुक्तों द्वारा इसकी हत्या की घटना कारित की गई थी। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पूर्व में ही जेल भेजा जा चुका है और इन मुकदमों की विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा चुकी है और इस घटना में एक अभियुक्त सन्नी सिंह उर्फ मृगेंद्र सिंह पुत्र उग्रसेन उर्फ मुन्ना सिंह के खिलाफ 8 अगस्त से NSA की कार्रवाई चल रही है, जिसमें घटना में शामिल मुख्य अभियुक्त राज सिंह उर्फ युवराज सिंह पुत्र राकेश सिंह निवासी ठठौली मंगल बाजार थाना गघा जनपद गोरखपुर के खिलाफ 29 अगस्त को जिलाधिकारी द्वारा NSA के तहत कार्रवाई की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, गोरखपुर के थाना गघा क्षेत्र में मार्च 2021 में शिव शंभू मौर्य व उनके नौकर संजय पांडे की हत्या की घटना कारित हुई थी, जिस संबंध में युवराज सिंह व इसके अन्य साथियों के नाम प्रकाश में आए थे। इस घटना से पूर्व मार्च 2021 में ही रितेश मौर्य की भी हत्या की घटना कारित हुई थी, जिसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 83/21
धारा 302 थाना गगा में पंजीकृत किया गया था। रितेश मौर्य व शिव शंभू मौर्य 2013 में हुए एक हत्याकांड के पैरोकार थे, जिस संबंध में इनकी ये हत्या की घटना अभियुक्तों द्वारा कारित की गई थी। इन सभी अभियुक्तों को अरेस्ट करके पूर्व से ही जेल भेजा जा चुका है और इस घटना की और इस मुकदमे की विवेचना के उपरांत चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। इन सभी अभियुक्तों के ऊपर पूर्व से ही गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की जा चुकी है और इस घटना से संबंधित एक अभियुक्त के ऊपर पहले से ही NSA की कार्रवाई चल रही है। इस घटना से संबंधित मुख्य अभियुक्त युवराज सिंह के ऊपर माननीय जिलाधिकारी महोदय गोरखपुर के द्वारा NSA के अंदर इसको निरुद्ध किया गया है, जिसका नोटिस तामील करा दिया गया है। इन सभी मुकदमों की प्रभावी पैरवी माननीय न्यायालय में की जा रही है और जल्द से जल्द इन अभियुक्तों को इन सभी मुकदमों में सजा कराए जाने के पूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। माफिया राजन तिवारी की न्यायालय ने जमानत अर्जी खारिज की। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट में सोमवार को जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। विशेष न्यायाधीश कोर्ट ने सुनवाई के दौरान माफिया राजन तिवारी के अपराधों के फहरिस्तों को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी। राजन तिवारी के ऊपर गैंगस्टर एक्ट में गैर जमानती वारंट जारी हुआ था, जिसके बाद गोरखपुर पुलिस ने बिहार के रक्सौल से माफिया राजन तिवारी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। गिरफ्तारी के 36 घंटे बाद राजन तिवारी को UP फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में भेज दिया गया था। जब सोमवार को जमानत अर्जी डाली गई तो जमानत अर्जी का विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजन ने कोर्ट को बताया कि अभियुक्त गिरोहबंद व्यक्ति है जिसके खिलाफ कोई गवाही नहीं देता है। अभियुक्त के ऊपर हत्या व हत्या के प्रयास के 2 मुकदमे दर्ज हैं, जिसका बाहर रहना उचित नहीं है। राजन तिवारी के अधिवक्ता के द्वारा साजिशन फंसाने की बात कही गई। अदालत ने सबूतों के आधार पर जमानत अर्जी निरस्त कर दिया। जनपद में नौकायन को घूमने जाने वाले चार पहिया वाहन चालक को सर्किट हाउस के बाहर वाहन को पार्क करना होगा, जिसके संबंध में SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि नौकायन पर प्रतिदिन शाम 5 बजे से 10 बजे के बीच पैडलेगन से नौकायन की तरफ जाने वाले चार पहिया वाहनों को सर्किट हाउस तिराहे से डायवर्जन कर उन्हें सर्किट हाउस के बाहर स्थित पार्किंग स्थल पर पार्क करवाया जाएगा। इसी प्रकार सेक्टर से नौकायन की तरफ आने वाले चारपहिया वाहनों का ट्रांसफार्मर तिराहे से डायवर्जन कर उन्हें महंत दिग्विजयनाथ पार्क के पश्चिमी गेट से स्थित पार्किंग स्थल पर पार्क करवाया जाएगा। शाम 5 बजे से शाम 10 बजे तक सर्किट हाउस तिराहे से ट्रांसफार्मर तिराहे तक किसी भी चारपहिया वाहन का प्रवेश निषेध होगा। 2 पहिया वाहनों के प्रवेश की अनुमति होगी, जिन्हें नौकायन के पास स्थित पार्किंग स्थल पर पार्क कराया जाएगा। इसके अलावा पैडलेगन से नौकायन की तरफ जाने वाले चारपहिया वाहन सर्वप्रथम सर्किट हाउस के पास स्थित पार्किंग स्थल पर पार्क होंगे। उसके भर जाने के उपरांत क्रमशः प्रेक्षागृह व चंपा देवी पार्क स्थित पार्किंग स्थल में पार्क किए जाएंगे। प्रत्येक दिवस रामगढ़ ताल के किनारे स्थित सड़क पर टहलने वाले, साइकिल चलाने वाले व योग करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा व सुविधा के दृष्टिगत पैडलेगंज स्थित गौतम बुद्ध प्रवेश द्वार से लेकर नौकायन तक जाने वाले मुख्य मार्ग का रामगढ़ ताल के किनारे स्थित लेन वाकर पैदल पथ के रूप में प्रयोग किया जाएगा, जिस पर प्रातः 5 बजे से प्रातः 8 बजे तक साइकिल को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के 2-पहिया व 4-पहिया वाहनों का प्रवेश निषेध होगा। प्रातः 5 बजे से प्रातः 8 बजे के मध्य उक्त मार्ग वन वे होगा। इस अवधि में पैडलेगंज से नौकायन तक जाने वाले मुख्य मार्ग के मध्य बने सभी कट्स बैरियर लगाकर बंद किए जाएंगे। नौकायन क्षेत्र में गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की गई वेंडिंग जोन में वही दुकानें लगेंगी जिन्हें गोरखपुर विकास प्राधिकरण से इस बाबत लाइसेंस प्राप्त हुआ है। बिना लाइसेंस प्राप्त दुकानें सरोवर रेस्टोरेंट से आगे नौकायन पैदल मार्ग के सटे स्थित दाहिने लेन पर लगेंगी। संपूर्ण नौकायन क्षेत्र CCTV कैमरे से आच्छादित है, जिसके लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 2 कंट्रोल रूम स्थापित किए जाने की कार्यवाही प्रचलित है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर के रमणीय स्थल रामगढ़ ताल के लिए बेहतर पुलिस सुविधा हो, इसी को मद्देनजर रखते हुए गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रतिदिन शाम को 5 बजे से सर्किट हाउस के सामने ट्रांसफार्मर तिराहे के पास ट्रैफिक ड्यूटी लगवा कर वहाँ पे डाइवर्जन करवाया जाएगा। 5 पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं, जो दिग्विजयनाथ पार्क के अंदर 2-पहिया वाहन सामने की ओर एवं पीछे की ओर 4-पहिया वाहन के लिए सर्किट हाउस के बाहर सर्किट हाउस की पार्किंग भर जाने के बाद
गंभीरनाथ प्रेक्षागृह की पार्किंग को भी प्रयोग में लाया जाएगा। प्रातःकाल में सैर करने वाले लोगों के लिए सुबह को 5 बजे से 8 बजे तक पैडलेगंज से लेकर नौकायन तक ताल के किनारे वाला जो पथ है वहाँ पे कोई भी मोटरेबल व्हीकल अलाउड नहीं होगा, ताकि वहाँ पे जो सैर करने वाले लोग हैं, दौड़ने वाले हैं, साइकिल चलाने वाले लोग हैं, वो अपना आराम से बिना किसी चिंता के वॉक कर सकें और रनिंग कर सकें। एवं इसके साथ साथ पूरे क्षेत्र को CCTV से चाकचौबंद किया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार की चुनौती की या इस प्रकार की रोड रेस की या स्टंटबाजी की घटनाएं ना हो। एवं मैं गोरखपुर के निवासियों से अपील करता हूं कि आप सभी लोग इस नई व्यवस्था में सहयोग करेंगे एवं डाइवर्जन में, पार्किंग में पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करेंगे, ताकि इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। सर, CCTV की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किए जाएंगे? CCTV की निगरानी के लिए 2 कंट्रोल रूम पैडलेगंज चौकी एवं नौकायन चौकी पर स्थापित किए जाएंगे, जिससे कि पैडलेगंज से लेकर नौकायन चौकी तक एवं नौकायन चौकी से लेकर पैदल पार्क जो 1.5 किलोमीटर लंबा है, जेटी की तरफ का जो एरिया है, वो चप्पा चप्पा थर्ड आई त्रिनेत्र की नज़रों में रहेगा। एवं कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की घटना ना कारित कर पाए, इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि सभी कैमरों का हाई क्वालिटी हाई डेफिनेशन कैमरे जो है लगाए जा रहे हैं। 3.5 साल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि खेती किसानी की जरूरतों में आर्थिक संबल बनी हुई है। अब तक इस निधि से ज्यादा 11 किस्तों से अन्नदाता लाभान्वित हो चुके हैं। गोरखपुर को इस योजना के लांचिंग स्थली का गौरव प्राप्त है। इस जिले में अब तक PM किसान सम्मान निधि के तहत 940 करोड़ रुपए की धनराशि किसानों के बैंक खातों में भेजी जा चुकी है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 12वीं सहायता किस्त जल्द मिलने वाली है। नई व्यवस्था के तहत किसानों के लिए EKYC अनिवार्य कर दिया गया है। किसानों को EKYC कराने के लिए बुधवार 31 अगस्त तक का मौका है। गोरखपुर में इस मानसून सत्र में औसत से कम बारिश होने के चलते किसान खरीफ की फसल को लेकर चिंतित है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कम बारिश से प्रभावित फसलों का आकलन कराकर नुकसान की भरपाई का निर्देश अधिकारियों को दे रखा है। CM के निर्देश के बाद इस दिशा में प्रक्रियात्मक कार्रवाई आगे बढ़ रही है। इस बीच कुछ एक दिनों में किसानों के खातों में आने वाली PM किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त की रकम उनकी खेती के घाव पर मरहम जैसी होगी। गोरखपुर में अब तक मिली 11 किस्तों में किसानों को 940 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। जनपद में 5,27,556 किसान ऐसे हैं जिन्हें इस योजना की कम से कम एक किस्त का लाभ अवश्य मिल चुका है। मानसून से मिली निराशा के बाद किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ताजा किस्त का इंतजार है, पर शीघ्र जारी होने वाली यह किस्त सिर्फ उन किसानों के खाते में ही आएंगी जिन्होंने EKYC की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। EKYC के लिए 31 अगस्त अंतिम तारीख है। इसके लिए प्रशासन की तरफ से किसानों को लगातार जागरूक किया गया है। उल्लेखनीय है कि PM किसान योजना अंतर्गत 2,000 रुपए की 3 किस्तों में सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं। इससे छोटे किसानों को खाद, बीज व सिंचाई जैसी फसली जरूरतों को पूरा करने में काफी मदद मिल जाती है। किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण इस योजना की देशव्यापी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर से 24 फरवरी 2019 को की थी। अमर शहीद रविंद्र सिंह की 43वीं पुण्यतिथि के अवसर पर छात्र संघ भवन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने अमर शहीद रविंद्र सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। जिसके संबंध में गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने बताया कि स्वर्गीय रविंद्र सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई है, जो कि लखनऊ व गोरखपुर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रह चुके हैं, जिन्होंने अपने समय में छात्रों के हित में अनेकों लड़ाई लड़ी थी। जल्द इस बिल्डिंग को ठीक करवाया जाएगा और भवन में एक म्यूजियम बनवाया जाएगा। इस अवसर पर MLC CP चंद, भारतीय कुश्ती संघ के सचिव आदित्य प्रताप सिंह, छात्र नेता शुभम मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सहजनवा के पूर्व विधायक शीतल पांडे और गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने कहा, सर थोड़ा साइड हो जाएगा, सर रविंदर सिंह अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा रविंदर सिंह का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रविंदर सिंह का नाम रहेगा, रविंदर सिंह अमर रहे, अमर रहे, रविंदर सिंह अमर रहे, अमर रहे, रविंदर सिंह अमर रहे, अमर रहे।
देखिए आज छात्र संघ भवन पर हमारे नेता नौजवानों के दिलों के धड़कन और पूर्वी उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के किसान मजदूरों के नेता रविंद्र सिंह जी एकमात्र नेता थे जिनके मरने पर स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने कहा था इट इज माई पर्सनल लॉस। रविंद्र सिंह जी नौजवानों की आवाज थे, पूरे देश में चाहे जेपी का मूवमेंट रहा हो, चाहे बेरोजगारी के खिलाफ लड़ा आंदोलन रहा हो, चाहे महंगाई के खिलाफ रहा हो, और जब चौधरी चरण सिंह ने छात्र संघ को बैन कर दिया था उस लड़ाई को भी रविंदर सिंह जी ने लड़ा था और हम लोग उनके सहयोगी रहे हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है, हम चाहते हैं कि यहाँ के नौजवान उनके संघर्षों से प्रेरणा लेकर के अत्याचार अनाचार के खिलाफ संघर्ष करें। आज इस तिथि में छोटा कार्यक्रम आयोजित किया गया और मुझे खुशी है कि मुझे इसमें हिस्सा लेने का मौका मिला। जरूरत है इस बिल्डिंग को ठीक कराने का, हम लोग इस पे कार्य करेंगे। मेरे मन में आया है, मैं छात्र संघ के पुराने जो भी पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठूंगा और एक इसमें एक म्यूजियम बनाने पे हम लोग चर्चा करेंगे कि यहाँ पे एक म्यूजियम बनाया जाए और कैसे छात्र संघ की एक्टिविटी को आगे बढ़ाया जाए, इस पे विश्वविद्यालय कार्य करेगा। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। लगातार अपराध करने पर गघा थाने के अपराधी राज सिंह उर्फ युवराज सिंह के खिलाफ जिलाधिकारी ने एनएसए रासुका की कार्रवाई। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोअर ने दी जानकारी। माफिया राजन तिवारी की न्यायालय ने सोमवार को जमानत अर्जी की खारिज। 15 दिन पहले गोरखपुर कैंट पुलिस ने बिहार रक्सौल से गिरफ्तार कर कोर्ट में किया था पेश। कोर्ट ने 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा था जेल। न्यायालय ने माफिया राजन तिवारी के अपराधों के फहरिस्तों को देखते हुए जमानत अर्जी की खारिज। नौकैन पर घूमने जाने वाले चारपहिया वाहन चालक अब अपने वाहन को सर्किट हाउस के बाहर करेंगे पार्किंग। सुबह 5 बजे से 8 बजे तक नौकैन क्षेत्र में दोपहिया व चारपहिया वाहन का प्रवेश रहेगा वर्जित। एसपी सिटी ने दी जानकारी। खेती की जरूरतों में संबल बनी पीएम किसान सम्मान निधि। गोरखपुर में अब तक मिल चुकी है 940 करोड़ रुपए की सहायता राशि। नई व्यवस्था के तहत बुधवार तक केवाईसी कराने का है मौका। अमर शहीद रविंद्र सिंह की 43वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह, एमएलसी सीपी चंद, पूर्व विधायक शीतल पांडे सहित अन्य लोगों ने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी उन्हें श्रद्धांजलि। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की स्मृति में चल रहे सप्त दिवसीय व्याख्यान माला का बुधवार को होगा समापन। मुख्य अतिथि के रूप में प्रख्यात वक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ होंगे शामिल। विद्यार्थियों को देंगे अपना मार्गदर्शन। भारतीय गोरखा संगठन के द्वारा हरियाली तीज महोत्सव का किया गया आयोजन। गोरखा महिलाओं ने भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा अर्चना कर पति के लंबी उम्र की कामना। गोरखनाथ मंदिर के बाहर नाले के ऊपर लगे ठेले वालों के ऊपर नगर निगम के प्रवर्तन दल की टीम ने चलाया अपना हंटर। प्रवर्तन दल के प्रभारी कर्नल सीपी सिंह ने कहा जल्द से जल्द हटाएं अपना अतिक्रमण। और हरितालिका तीज के पर्व पर सुहागिन महिलाओं ने अपने सुहाग के लंबे आयु के लिए रखा निर्जला व्रत की पूजा अर्चना। कहा तीज व्रत करने से सौभाग्य व सुख समृद्धि की भी होती है प्राप्ति। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब
पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की स्मृति में चल रहे सप्त दिवसीय व्याख्यानमाला का बुधवार को समापन होगा, जिसके संबंध में दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि बुधवार को ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ स्मृति में व्याख्यानमाला के अंतर्गत सातवें और अंतिम दिन पुस्तकालय हाल में राष्ट्रवाद के समक्ष चुनौतियों विषय पर व्याख्यान आयोजित होगा, जिसमें मुख्य अतिथि एवं प्रख्यात वक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, वरिष्ठ राष्ट्रवादी विचारक व पत्रकार नई दिल्ली तथा विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर आर एस तोमर, पूर्व विभाग अध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी होंगे। प्रख्यात वक्तागण छात्रों को अपना मार्गदर्शन देंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह ने कहा, दरअसल आज तो छठवां दिन था और आज भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास, इस विषय पे जो है मेजर जनरल अतुल वाजपेयी जी, जो महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति हैं, उनका मार्गदर्शन और उद्बोधन हम लोगों को प्राप्त हुआ। और कल समापन सत्र में जाने माने राष्ट्रवादी विचारक और वरिष्ठ पत्रकार श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी कल के मुख्य अतिथि होंगे और इस राष्ट्रवाद के समक्ष चुनौतियाँ, इस विषय पर उनका उद्बोधन होगा। उनके साथ प्रोफेसर आर एस तोमर, जो विभागाध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान रहे हैं, अभी सेवानिवृत्त हैं, वो भी विशिष्ट वक्ता के रूप में हमारे बीच मौजूद होंगे। भारतीय गोरखा संगठन के अंतर्गत कूड़ाघाट स्थित एक निजी लॉन में हरियाली तीज महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची पूर्व महापौर डॉ. सत्या पांडे ने भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा अर्चना की। भादो मास की तृतीया को भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने 3 दिवसीय अखंड तप किया था, जिसके कारण उनको शिव की प्राप्ति हुई, जिसके उपलक्ष्य में हरियाली तीज का व्रत सभी महिलाएं रखती हैं। इसके अलावा कुंवारी कन्या योग वर के लिए व्रत रखती हैं, जिसको देखते हुए गोरखा महिलाओं ने भी व्रत रखकर भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा अर्चना की है। वहीं इस संबंध में ममता थापा ने बताया कि कुंवारी नेपाली महिलाएं अच्छा पति पाने के लिए व्रत
रखती हैं तथा सुहागिन महिलाएं अपने पति के लंबे उम्र के लिए व्रत रखती हैं और विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए व्रती गोरखा महिलाओं एवं पूर्व महापौर सत्या पांडे ने कहा, अपने सुहाग के लिए, लंबी आयु के लिए, उनको पाने के लिए कन्या लड़कियां रखती हैं कि अपने अच्छा जीवन साथी पाने के लिए, और जो सुहागन है वो अच्छा अपना सुहाग एक लंबी आयु के लिए रखती हैं इस व्रत को, तीज के व्रत को। जी पूर्णिमा, ये व्रत माता गौरा ने शंकर जी के लिए रखा था, और हरतालिका का मतलब है पार्वती जी को उनकी सखियां हर के लेके गई थी वन में, इसलिए इसे हरतालिका तीज कहते हैं। और इसका बहुत महत्व है हमारे गोरखा समाज में भी। हम लोग सुबह से ही नीराजनी व्रत रखते हैं और शाम को पूजा करते हैं, सुहाग चढ़ाते हैं, फिर अगले दिन जल पीकर पारण करते हैं, पूजा करते हैं। बस सुहाग के लंबी आयु के लिए व्रत रखते हैं, पानी पीते हैं, बस वही है। मेरा नाम सुधा थापा है। हम नेपालियों का ये तीज त्यौहार है, हम लोग नेपाल में से और भी धूमधाम से मनाते हैं, और यहाँ पे मिस्टर तारा छेत्री के सब मतलब उन्हीं के कारण हम लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और तीज का त्यौहार का हम लोग आनंद ले रहे हैं। और हम लोग यहाँ जितने भी सारे लोग एकत्रित हुए हैं वो मिस्टर तारा छेत्री हैं, उनकी वजह से, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। भादो मास की तृतीया को शिव जी को प्राप्त करने के लिए गौरी जी ने बहुत बार 3 दिन उसी अखंड तप किया था, और आज उसी लिए उन्होंने शिव की प्राप्ति उन्हें हुई, और उसी के बाद से ये हरतालिका तीज का व्रत हम सब महिलाएं रखती हैं। आज के दिन कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं, कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर के लिए, और सौभाग्यवती महिलाएं अपने पति के, अपने सौभाग्य की कुशलता के साथ साथ सकल परिवार की कुशलता के लिए आज ये निराजल व्रत रहा जाता है। मैं आज के दिन इस कार्यक्रम में, आज भारतीय गोरखा संगठन ने यह हर वर्ष की बात, इस वर्ष भी कार्यक्रम किया, मुझे आमंत्रित किया, मैं सभी को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। नगर निगम के प्रवर्तन दल की टीम ने गोरखनाथ मंदिर के बाहर रोड के किनारे बने नाले के ऊपर अतिक्रमण को अभियान चलाकर खाली करवाया, जिसके संबंध में प्रवर्तन दल के प्रभारी कर्नल सीपी सिंह ने बताया कि यातायात तिराहा से गोरखनाथ मंदिर तक अतिक्रमण अभियान चलाया गया। गोरखनाथ मंदिर पर प्रतिदिन वीआईपी आते रहते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खुद का मठ एवं आवास है, लेकिन यहां आए दिन ठेला वाले मंदिर के बाहर बने नाले पर अपना ठेला लगाते हैं। उन्हें बताया कि स्मार्ट सिटी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि गोरखपुर को सुंदर बनाया जाए,
पहले से अब महानगर की रोडें चौड़ी हो गई हैं, ठेला लगाने से मंदिर ठीक से नहीं दिखाई देता है और इन्हीं की वजह से दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। आज उसी के तहत इन ठेले वालों को हटाया गया और आगे हिदायत दिया गया कि अगर फिर से कोई ठेला यहाँ लगाता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रवर्तन दल के प्रभारी कर्नल CP सिंह ने कहा, और इसके ये आखिर भी एक रास्ता है, ये आज की बात नहीं है, ये क्या बनी लगे आपको लगाना कि वहां लगे यहाँ नहीं लगे इसको किसी प्रकार का कोई ठेला वगैरह नहीं लगेगा। आज के बाद किसी प्रकार का कोई ठेला लगा हुआ पाया गया तो आपके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा, आपका ठेला को भी जब्त किया जाएगा, साथ ही आपको भी, उससे आपका घर घर का नुकसान होगा। आप मेहरबानी करके अपने ठेले को कहीं मिला कर लगाए। आपको लगाना कहीं और लगाओ, यहाँ लगा नहीं लगेगा, पूरी लाइन खाली रही। ये भी सुबह के शाम को लगा दिया, सुबह लगा दिया। मंदिर के बाहर साइड में बाउंड्री वॉल के पास आज ये अभियान हम लोगों ने एक्चुअली शुरू है, ये सुबह से हम लोग अभियान चला रखा है यातायात से लेके हम लोग गोरखनाथ मंदिर तक। एक्चुअली ये गोरखनाथ मंदिर का इलाका बड़ा बड़ा ये सेंसिटिव इलाका है, यहाँ पे आए दिन VIPs भी आते हैं और मुख्यमंत्री जी का ये खुद का मठ है। बगल में क्या है, अभी अभी बीच में ये दुकानें हम लोगों ने हटवाई दी कि इसको बिल्कुल ये जो गोरखपुर अपना है ये महानगर का रूप रेखा का एक कॉन्सेप्ट है कि और स्मार्ट सिटी के तहत इसको बहुत बढ़िया, हम लोग मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि इसको बनाया जाए। रोडें बिल्कुल चौड़ी हो गई हैं, जो पेडेस्ट्रियल लेन थी वो अतिक्रमण थी, अतिक्रमण के साथ में मतलब लोगों इस पर ठेले वाले घुमचे वाले और जो आम जनता है उसको चलने नहीं देते थे। तो एक शिकायत कहीं से आई थी कि ये जो पेडेस्ट्रियल्स है ये बिल्कुल ब्लॉक कर रखा है ठेले वालों ने, और फिर वो भी गोरखनाथ मंदिर के सामने। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है, ये बिल्कुल मतलब जो जिसका इंटरनेशनल फेम है, गोरखनाथ मंदिर का इंटरनेशनल फेम है, जैसे आपका गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में उसी तरह ये मतलब बहुत बड़ा इसका मतलब फेम है। तो वहाँ पे ये जो सुरक्षा की दृष्टि से बाहर वाले जो पे एनक्रोचर्स थे, इन्होंने ऐसा एनक्रोचमेंट करके रखा था कि एक तो मंदिर ठीक से दिखता नहीं था, दूसरा मान लो कोई 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 बात हो जाए तो हमें पुलिस को भी टैकल करने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए मैंने इनको ठेले वालों को आज हटाया और आज के बाद हिदायत दी कि अगर दोबारा ये लगाएंगे तो सख्त से सख्त जुर्माना करेंगे और इनका ठेला हम जब करके नगर निगम में स्टोर में लेके जाएंगे।
कि रीजन है, हमें सुरक्षा भी देखनी है और पब्लिक का ध्यान भी देखना है और जो स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे साकार करना है। उसी की तरह हम लोग इकट्ठा हुए आज हम इस पे काम कर रहे हैं। हरितालिका तीज के दिन महिलाओं ने बेतिहाता स्थित हनुमान मंदिर पर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजा अर्चना किया। आपको बता दें कि हरितालिका तीज पर व्रत रही सुहागिन महिलाओं के लिए हरितालिका तीज के त्योहार का विशेष महत्व होता है। इस तीज में महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं तथा तीज के दिन शाम के समय महिलाएं श्रृंगार करके भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की पूजा करती हैं। हरितालिका तीज व्रत रखने और पूजा करने से सौभाग्य व सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जिसके संबंध में पूजा करने आई महिलाओं ने बताया कि भगवान शिव के लंबी आयु के लिए माता पार्वती ने व्रत रखा था, इसलिए सारी सुहागिन महिलाएं अपने पति के लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है और बताया कि हरितालिका तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती को पीला वस्त्र, दही, शहद, दूध, धतूरा, सिमी के पत्ते, केले का पत्ता, जनेऊ, सुपारी, रोली, बेलपत्र, दुर्वा, कपूर, गंगा जल, फलाहार, मिठाई और 16 सिंगार का सामान चढ़ाया जाता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए तीज व्रती एवं पूजा करने आई महिलाओं ने कहा, बढ़ते रहे भैया, खड़े मत रहिए, बढ़ते रहिए। इधर आगे चढ़ाइए, पूजा करें, बढ़ते रहिए। भैया अपने सिगर की सुरक्षा अपने आप करिए, आप लोग चढ़ाइए उस पे इधर चढ़ाइए। हम अपने पति के लिए रहते हैं जो शिव शंकर के लिए गौरी जी ने रखा था और उन्होंने रखा था और हम सब उनको देख के या उनसे ये सीख लेते हुए अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ ये व्रत रहते हैं। तीज का व्रत गौरी माता ने पार्वती शंकर जी के लिए रखा था, जिनको देखते हुए हम सारी औरतें भी ये व्रत रहती हैं और ये चाहती हैं कि हमारे पति शिव शंकर के जैसे रहें और मैं चाहती हूँ कि मेरे पति और हम जितनी भी औरतें ये व्रत रहती हैं सबका सुहाग। डिम्पल जी, आज के दिन माता पार्वती ने बहुत तपस्या की थी शिव जी को पाने के लिए, इसीलिए हम लोग भी वही करते हैं। क्या होता है आजकल, किस तरह का व्रत रखा जाता है? ये हरियाली तीज है इसीलिए व्रत रखा है जी, वो 24 घंटे की व्रत होती है। किसकी पूजा की जाती है, क्या क्या चढ़ाया जाता है? भोलेनाथ की पूजा की जाती है, बिलपत्र और धतूरे सब जने उन्हें सब चढ़ाया जाता है। मैं सुनीता देवी बोल रही हूँ और मैं शिव जी के मंदिर के सामने आई हूँ वहाँ पे पूजा करने के लिए भोलेनाथ पार्वती जी का। और तीज व्रत हम लोग हैं अपने पति के लिए, तीज व्रत सब लोग रहते हैं, शिव पार्वती जी का पूजा करते हैं और 24 घंटा व्रत रह जाता है, उसके बाद तब पारण किया जाता है। हम माधुरी देवी, तीज का यही मत है कि जैसे यहाँ पति अपने पत्नी अपने पतियों के लिए माने दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं, लंबी आयु के लिए, और इसमें सभी पूजा शिव पार्वती का पूजा किया जाता है, क्या क्या चढ़ाया जाता है? और इसमें बेलपत्र, जैसे शिव भगवान को जैसे बेलपत्र है और फूल माला ये सब उनको चढ़ाया जाता है। पूजा शंकर भगवान के लिए पार्वती माता ने लंबी उम्र के लिए व्रत रखा था, तो इसलिए औरतें सारी सुहागिनी औरतें लंबी अपने पति के लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती हैं। किसी पूजा होती है आज के दिन और भगवान शंकर जी का और पार्वती माता का क्या चढ़ाया जाता है? बेलपत्र,
फूल, सिंदूर, कुमकुम, रोली, अगरबत्ती, कपूर आरती किया जाता है। शिखा से तीज व्रत पति के लंबी आयु के लिए किया जाता है, इसलिए हमने भी रखा है। किसकी पूजा की जाती है? भगवान की, शंकर भगवान की पूजा की। क्या महत्व होता है? अपने पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। धतूरा है, भांग है, फूल है, सुहाग का सब सेट होता है, यही सब चढ़ाया जाता है। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। लगातार अपराध करने पर गघा थाने के अपराधी राज सिंह उर्फ युवराज सिंह के खिलाफ जिलाधिकारी ने NSA रासुका की कार्रवाई। SSP डॉक्टर गौरव ग्रोअर ने दी जानकारी। माफिया राजन तिवारी की न्यायालय ने सोमवार को जमानत अर्जी की खारिज। 15 दिन पहले गोरखपुर कैंट पुलिस ने बिहार रक्सौल से गिरफ्तार कर कोर्ट में किया था पेश। कोर्ट ने 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा था जेल। न्यायालय ने माफिया राजन तिवारी के अपराधों के फहरिस्तों को देखते हुए जमानत अर्जी की खारिज। नौकैन पर घूमने जाने वाले चारपहिया वाहन चालक अब अपने वाहन को सर्किट हाउस के बाहर करेंगे पार्किंग। सुबह 5 बजे से 8 बजे तक नौकैन क्षेत्र में दोपहिया व चारपहिया वाहन का प्रवेश रहेगा वर्जित। SP सिटी ने दी जानकारी। खेती की जरूरतों में संबल बनी PM किसान सम्मान निधि। गोरखपुर में अब तक मिल चुकी है 940 करोड़ रुपए की सहायता राशि। नई व्यवस्था के तहत बुधवार तक KYC कराने का है मौका। अमर शहीद रविंद्र सिंह की 43वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह, MLC CP चंद, पूर्व विधायक शीतल पांडे सहित अन्य लोगों ने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी उन्हें श्रद्धांजलि। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की स्मृति में चल रहे सप्त दिवसीय व्याख्यान माला का बुधवार को होगा समापन। मुख्य अतिथि के रूप में प्रख्यात वक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ होंगे शामिल। विद्यार्थियों को देंगे अपना मार्गदर्शन। भारतीय गोरखा संगठन के द्वारा हरियाली तीज महोत्सव का किया गया आयोजन। गोरखा महिलाओं ने भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा अर्चना कर पति के लंबी उम्र की कामना। गोरखनाथ मंदिर के बाहर नाले के ऊपर लगे ठेले वालों के ऊपर नगर निगम के प्रवर्तन दल की टीम ने चलाया अपना हंटर। प्रवर्तन दल के प्रभारी कर्नल CP सिंह ने कहा, जल्द से जल्द हटाएं अपना अतिक्रमण। और हरितालिका तीज के पर्व पर सुहागिन महिलाओं ने अपने सुहाग के लंबे आयु के लिए रखा निर्जला व्रत की पूजा अर्चना। कहा, तीज व्रत करने से सौभाग्य व सुख समृद्धि की भी होती है प्राप्ति। अब मुझे दे इजाजत। नमस्कार।